हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो पाकिस्तान की तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान अभी चाइना से 20 और J-10C फाइटर को परचेस कर रहा है, और वो भी लोन पे। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा पहले से ही 36 J-10C फाइटर का ऑर्डर चाइना को दिया गया है, और लगभग 22 की डिलीवरी भी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को की जा चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे 20 और फाइटर जेट वो ले, और इसके लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो चाइना से लोन पे ये फाइटर ले रहा है। और चाइना के द्वारा ये जो लोन पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पे चाइना 4.1% की इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि चाइना भी समझ गया है कि अब पाकिस्तान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लूट सकें लूट लें, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को कोई भी कंट्री ऐसे फाइटर जेट नहीं देगी, क्योंकि कोई भी कंट्री भारत को नाराज नहीं करना चाहती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ बन गई है, क्योंकि आप लोगों ने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन के बारे में तो सुना ही होगा। अब सुनिए फाइटर जेट लोन। पाकिस्तान नए नए ऐसे कारनामे करता रहता है, इसमें कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं J-10C की। तो पाकिस्तान के द्वारा इसे इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए चाइना से लिया गया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो इस फाइटर से रफाल फाइटर को काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो 20 J-10C फाइटर का नया ऑर्डर पाकिस्तान चाइना को दे रहा है, उसमें वो 240 PL-15E मिसाइल को भी परचेस कर रहे हैं। ये जो PL-15E मिसाइल है, ये एक लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 145 किलोमीटर बताया जाता है, और कहा जाता है कि ये इंडियन एयरफोर्स के रफाल को काउंटर कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के रफाल में मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। J-10C फाइटर को पाकिस्तान के द्वारा रफाल के बराबरी का फाइटर बताया जा रहा है, लेकिन ये एक सिंगल इंजन का फाइटर है। इवन ये तो इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI से भी इंफीरियर फाइटर है। अब उनके द्वारा अगर ये बताया जा रहा है कि ये रफाल को काउंटर कर सकता है, तो आपको 27 फरवरी 2019 की वो घटना याद ही होगी, जब अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को शूट डाउन किया था। उसके बाद पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा था। उनकी क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है, अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हालांकि ये तो हो गई पाकिस्तान के J-10C फाइटर के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री से वो ऐसे फाइटर जेट को परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है और ना ही दूसरी कंट्री ऐसी टेक्नोलॉजी उसको देगी। तो उसको सिर्फ एक ही देश ऐसी फाइटर जेट दे सकता है, और वो है चाइना। इसीलिए वो चाइना से ऐसे फाइटर जेट ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान में खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को लोन पे ही चाहिए, मगर फाइटर जेट चाहिए जरूर। उनकी सेना किसी भी तरीके की अपने बजट में कटौती नहीं करना चाहती है, जबकि देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाइना ये जो लोन है, वो पाकिस्तान को 4.15% के इंटरेस्ट पे दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इवन ऐसे जो लोन होते हैं, वो 0.5% या 1% पे दूसरे देशों के द्वारा किसी और कंट्रीज़ को दिया जाता है, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान से ले रहा है, और पाकिस्तान भी इस बात को जानता है। लेकिन वो करेगा भी तो क्या करेगा, कोई और देश उसको इस प्रकार से फाइटर जेट लोन पे देगा नहीं। वहीं पे चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना दूसरे देशों को इसी तरीके से डेप्थ ट्रैप में फंसाता है, और ऐसा वो कई देशों के साथ कर भी चुका है। पाकिस्तान तो लगभग पूरी तरीके से चाइना के ही पास गिर भी है। इस J-10C फाइटर को तो छोड़िए, चाइना के पास भी कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो इंडियन एयरफोर्स के रफाल की बराबरी का फाइटर हो। अगर हम उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 की भी बात करें, तो वो भी कई मामलों में इस रफाल एयरक्राफ्ट से इन्फीरियर है। तो ये J-20 किस खेत की मूली है तो एक चाइनीज मशीन ही। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।